विधानसभा चुनावों के मद्देनजर आज केंद्रीय राज्य मंत्री जितिन प्रसाद अम्बाला शहर पहुंचे, जहां चुनावों को लेकर उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं की महत्वपूर्ण बैठक ली, जिसमें उन्होंने हरियाणा प्रदेश व अम्बाला में तीसरी बार कमल खिलाने को लेकर विस्तार पूर्वक चर्चा की। इस दौरान उन्होंने दावा किया कि हरियाणा में एक बार फिर से भाजपा की सरकार बनने जा रही है। वहीं उन्होंने वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर भी प्रतिक्रिया दी और इस फैसले को उन्होंने विकसित भारत की दिशा में लेकर जाने वाला बड़ा कदम बताया। उन्होंने कहा कि यह समय की मांग भी है। बिल्कुल, यहाँ आज अम्बाला आने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। व्यापक जनसंपर्क चल रहा है, पार्टी के कार्यकर्ता उत्साहित हैं और मैं पूरे पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि आने वाले समय में जैसे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार केंद्र में सरकार बनी, उसी तर्ज पे आप देखिएगा हरियाणा में भी तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। हरियाणा में चल रहे विधानसभा चुनाव को लेकर भी केंद्रीय राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने दावा किया कि हरियाणा में एक बार फिर से कमल खिलने जा रहा है। उन्होंने कहा कि चुनाव के संबंध में ही आज वो अम्बाला शहर पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि जैसे केंद्र में पीएम मोदी के नेतृत्व में सरकार बनी है, वैसे ही हरियाणा में भी भाजपा की सरकार बनने जा रही है। बिल्कुल, ये आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने जो निर्णय लिया है वन नेशन वन इलेक्शन, ये आने वाले समय में भारत को उस दिशा में ले जाने का प्रयास है जो विकसित भारत की परिकल्पना की गई है। क्योंकि इतना बड़ा बोझ तमाम इलेक्शंस में होता है और ये वन नेशन वन इलेक्शन की अगर जो पूरी सहमति बनेगी और आने वाले समय में आप देखिएगा ये देश के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा हमारे विकास की यात्रा में और जो तमाम खर्चे और तमाम चीज़ें आती हैं उसमें और सुदृढ़ीकरण होगा। और वन नेशन वन इलेक्शन इस देश की समय की मांग है।